आप सभी को राम राम। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाएंगे आज, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और आपकी जब इच्छा हो तब बनाकर उसे खा सकते हैं और सिर्फ एक ही चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने के लिए एक कप चूरा है, पोहा जिसको कहते हैं, इसे धुलकर भिगा देंगे 10-5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब तक पैन में तेल चढ़ाएंगे उसमें ज़रा सा राई और जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे इसमें, हल्का सा सुनहरा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सुनहरा हो जाए तो इसमें ज़रा सी हल्दी पाउडर डाल देंगे और बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे। आपके पास और भी जो सब्ज़ियाँ हो आप डाल सकते हैं। इसके साथ इसमें ज़रा सा डालेंगे धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, ज़रा ज़रा से ही डालेंगे, बहुत ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और ज़रा सा ही इसमें चाट मसाला डाला है हमने। अगर आप ये सब मसाले खाना ना चाहते हो तो आप इसमें एक पाउच मैगी मसाला डाल लें, तब भी इसका टेस्ट बढ़िया आ जाता है। मिला देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए ढक देंगे, इतना ही पकाएंगे कि आधा पक जाए शिमला मिर्च और टमाटर। और अब इसे हटा देते हैं। चूरा भी अच्छे से फूल गया है तो इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गया तो हम इसमें गेहूं का आटा डाल रहे हैं, एक कप से थोड़ा सा कम है आटा, पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से मिला लेंगे आटा और चूरा को। अगर आप आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे गेहूं के आटे में बनाऊंगी। 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद जो हमने सब्ज़ियाँ पकाई थी उसको इसी आटे में मिक्स कर देंगे। इसमें कुछ करी पत्ते और धनिया हो तो हरी धनिया डाल दें। पैन धुलकर इसी में डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिला देंगे सबको अच्छे से। आटा और सब्जियां अच्छे से मिल जाएंगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे 2 चुटकी के करीब और ज़रा सा पानी डालेंगे और एक बार अच्छे से फिर से मिला देंगे ताकि सोडा जो है पूरे बैटर में अच्छे से मिल जाए। बैटर की मोटाई हमने इस तरह रखी है और अपन पैन चढ़ाया है, पैन में डालेंगे आधा चम्मच तेल, पैन को गर्म होने देंगे। पैन जब मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कलछी से बैटर डालेंगे थोड़ा सा और इसे चम्मच से गोल शेप देंगे हल्के हाथों से फैलाते हुए। इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। बैटर डालने के बाद आँच को धीमा कर देंगे और इसे सिकने देंगे नीचे से। जब ये नीचे से सीख जाएगा तो ऊपर से सूखा सूखा से दिखने लगेगा, चिपचिपा चिपचिपा सा नहीं दिखेगा, छूने पर हाथ में भी नहीं लगेगा। उस टाइम हम इसे पलट देंगे, किसी चम्मच से या फिर कलछी से हल्का हल्का दबा देंगे चारों तरफ ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए नीचे की साइड से भी। हमने एक नाश्ता लोहे के तवे पर भी डाल दिया है, थोड़ा जल्दी था क्योंकि मैं इसे सुबह के टाइम बना रही थी। ये सीख गया है, इसे हटा लेते हैं। मैंने तवा भी चढ़ाया था, लोहे का तवा है, इस पर भी आसानी से बन जाता है। और इसे सर्व करने के लिए हमने धनिया टमाटर अदरक और हरी मिर्च की चटनी तैयार की है। इस चटनी के साथ ये नाश्ता अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है।